अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओरिस खालिद. आई एम हियर वंस अगेन विद अ लाइव सेशन. आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस द डिस्कशन ऑफ टुडेज इम्पोर्टेंस. हम सुबह से बल्कि कल रात से अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस के बारे में बे इंतहा इंफॉर्मेशन और हम उसके तज्जिए और उसके अलावा उसे पहले वाले लोगों की एंटिसिपेशंस के अमेरिका के इलेक्शंस में कौन जीतेगा या सदर ट्रंप अपने नेक्स्ट दौर के लिए मतलब अपना प्रेसिडेंट की पोजीशन बरकरार रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे. सो हर एरा गैरा मेरी तरह का नथू गैरा is having a discussion and more importantly they're giving their two cents ke ji america ke elections jo unse hain wo kis rukh apna aur america ki awam apna palda jo biden ya phir jo ke former vice president rahe hain obama ke daur mein aur president trump unke hath mein kin in dono mein se kin ke hath mein डालेगी. सबसे पहले ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है कि इलेक्शंस होते क्यों. इलेक्शंस इसलिए होते हैं कि अवाम अपने मुंतहिब नुमाइंदों जो कि असूली तौर पे ग्रास रूट लेवल से ट्रिकल डाउन तो नहीं कहना चाहिए मतलब बुनियाद बनते 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 एक लीडर को चुन सकें और वो लीडर पे डायरेक्शंस दे जिसके ताबे उसके आप कह लें कि जिस भी निज़ाम के अंदर हैं जिस तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं यूएस में. सो उस निज़ाम के अंदर रहते हुए एक सेनेट है उनकी और एक जिसको कांग्रेस कहते हैं और उनका जो नेशनल असेंबली है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है. असूली तौर पे जो उनकी नेशनल असेंबली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है ये वो लोग हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में जिस तरह हमारे इधर के एमएनए होते हैं उन एमएनएस को का तरीक़ाकार उनको चुनने का ये होता है कि अवाम उनको अपनी अपनी काउंटीज़ में जो कि स्टेट के फर्दर डिवाइडेड होते हैं जिस तरह हम कहते हैं कि लाहौर के अंदर टाउनशिप है तो टाउनशिप या गार्डन टाउन या मॉडल टाउन टाउन की से थोड़ा बड़ा आप कह लें कि एक काउंटी होती है और जो स्टेट होती है वो तकरीबन सूबे की हैसियत रखती है और मगर बात ये है कि काउंटीज़ कुछ बड़ी भी होती हैं कुछ छोटी भी होती हैं. सो एक बड़ा सा शहर सियालकोट बेस एक काउंटी बन सकती है एक शहर मगर मोस्टली इट्स अबाउट के किस इलाके में कितनी पॉपुलेशन है और वो फिर उसके मुंतखब उधर इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है. वो इलेक्टोरल कॉलेज इस तरह होता है कि लाजमी नहीं है कि जिस बंदे ने ज़्यादा वोट ले ली हैं वो बंदा अमेरिका का सदर लग सकता है बल्कि एक 270 का नफ्सियाती एक हद होती है जो कि गालबन पाकिस्तानी असेंबली के अंदर भी 272 थी लास्ट टाइम तक जब 380 कुल नशिस्तें थी तो उनमें से 272 वाला सिंपल मेजॉरिटी लेता था अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो सी ना कुल जो सीटें लेनी है वो लगभग जो जो बंदा 270 ले जाएगा वो जीत जाएगा. अब मसला ये कि लाजमी लास्ट टाइम हुआ ये था 2016 में कि हिलरी क्लिंटन जो कि आप जानते हैं कि एक डेमोक्रेट एक कैंडिडेट थी उनका जब इनके साथ पेचा पड़ा था डोनाल्ड ट्रंप के साथ सो वो वोट्स ज़्यादा ले गई थी क्योंकि उनकी जिधर जिधर से उनके एमएनएस को ज़्यादा ज़्यादा लीडें मिली थी. आप ये समझ लें कि वो इलाके थे जिधर ठप्पे बहुत ज़्यादा लगते थे एमक्यूएम के जिस तरह कराची में एक एक लाख की वोट की लीड मिल रही है वो उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकी कि वो इवेंचुअली क्योंकि जो एक इलाके के इलेक्टोरल कॉलेज है ना जो उसके मुंतखब नुमाइंदे हैं जिन्होंने आगे जाके वोट देना है जिस तरह हमारे भी नेशनल असेंबली में आपका वोट होता है कि जी अब एक ऑपोजिशन है और एक विनिंग पार्टी है जिसने अपेरेंटली ज़्यादा एमएनएस इकट्ठे किए होते हैं जीते होते हैं उनकी टिकट पे उस पर्टिकुलर पार्टी की. सो होता ये है कि वो फिर वोट देते वक्त अगर चाहें तो ऑपोजिशन के किसी रहनुमा को भी वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं ये इतनी सिंपल सी बात है. बहरहाल
अब अमेरिका के इलेक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरी दुनिया में ये डिस्कशंस हो रही हैं? अमेरिका के अमेरिकन इलेक्शन में बात ये है कि ये वो जमहूरियत है जो कि चाहते, ये कॉलोनाइज थे पहले, ब्रिटानिया का एक हिस्सा थे, इसीलिए उधर भी काउंटीज कहलाती हैं, इधर भी काउंटीज कहलाती हैं। अमेरिका में ना जो भी मेरा जानने वाला दोस्त वगैरह गया ना, वो तो उधर जाके इस तरह हो जाते हैं जिस तरह के वो जमे पले बड़े ही उधर है, क्योंकि अमेरिका अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा राइट्स देता है, और उस राइट की जितने देता है उससे ज़्यादा तशहीर वो करता है पूरी दुनिया में कि देखें हमारे पास जमहूरियत है और जमहूरियत की बुनियाद पे हमारे अवाम बड़े खुश हैं, और आप भी दुनिया में जमहूरियत लाएं, और इसकी वजह से जो भी हम कह लें कि खिलाफत हो गई या बादशाहत हो गई, इस्लामी मुल्क है, इराक को भी तबाह किया जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, जो कि बहरहाल एक रिपब्लिकन था, रिपब्लिकन खोते वाले थे उनसे जिनका जिनका, और दूसरी साइड पे हाथी वाले हैं। सो बेसिकली इनका जो कंपटीशन है ना, डोनाल्ड ट्रंप का और इनका, इन ये कह लें एक ही सिक्के के दो रुख हैं, मगर इस वक्त जो बाइडन जोनसा था, जो कि बज़ाहिर 3 स्टेट्स हैं, एरिजोना, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, इनके ऊपर ना इनका कोई बहुत करीब करीब रिजल्ट्स आ रहे हैं। इन रिजल्ट्स की बात यह है कि पहली दफ़ा जो उनसे ना पोस्टल बैलेटिंग, डेमोक्रेट की ये स्ट्रेटजी थी कि हम जिस तरह पीटीआई करती है सुबह सुबह जाके वोट दे देते हैं, उसके बाद उनको पता नहीं कि बाद शाम में क्या कहानी पड़नी है, सो एंथुजियास्टिक होते हैं। इन लोगों ने जल्दी जल्दी काली, जिसको कहते हैं पंजाबी में, कि जल्दी में ना इन्होंने पहले ही वोट दे दिए, जो कि एक ऑप्टिकल तरीका भी होता है कि देखो जिस साइड पे पलड़ा भारी है, बहुत सारे लोग फिर ना अपना फैसला मुंतकिल करते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2011 में अगर अक्टूबर 31 को इमरान खान मीनारे पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा ना कर पाते, तो शायद वो सिलेक्शन में 32, जो वो कहते हैं ना 35 पंक्चर लागे, उतनी सीटें भी ना ले सकते जो 28 या 32 ली थी उन्होंने, क्योंकि हमारी अवाम मुंसलिक उसके साथ, उस लीडर के साथ होना चाहते हैं जो कि विन कर रहा होता है, विनिंग कैंडिडेट के साथ। सो बैलेट पे, बैलेट का मतलब यह है कि पोस्टल, आपने अपना जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है उसके थ्रू आपने अपने हलके का वोट पोल कर देना होता है अपने नुमाइंदे को, जो कि उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसके मेन प्रेसिडेंट को, उसको भी आपने लगाना होता है कि जी फलाना बंदा है ना, मैं तो ट्रम्प का हमायती हूँ, और उसके नीचे जो पैनल होता है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। बहरहाल अब बात ये थी कि रिपब्लिकन से उनसे है ना वो आए हैं सड़कों, रिपब्लिकन एक कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, गोरे चिट्टी चमड़ी वाले, उनका तरीकाकार ये होता है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब आया था तो बड़े लोग खुश थे कि जी अच्छा बंदा होगा, आके उसने ना नेर फेर दी थी। ट्रंप इस मामले में बड़ा अच्छा बंदा है कि वो जितना, वो कहते हैं ना जिसको जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, वो बातें बड़ी करते हैं मगर जो जितना ब्लंट इंसान होता है ना वो एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट होता है और वो हिपोक्रेट नहीं होता। ये जितना मुसलमानों के लिए बुरा है ना, उससे कहीं ज़्यादा बुरा जो बाइडन है, मेरी अपनी एक नाकिस राय के मुताबिक, क्योंकि जो बाइडन जो है ना इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और वो कह लेंगे इस वक्त किंग्स पार्टी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो फिर ऑब्वियसली इनके फिर बहुत सारे मामला होते हैं, मगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट खुल के जो है ना जो बाइडन को और सपोर्ट करना चाह रही है, जो सेक्रेटरी पॉम्पियो हैं इनके, वो भी कुछ इस तरह के मनूवरिंग कर रहे थे उनके नीचे वाले बेसिकली। सो वो पॉम्पियो फिर उसको रीइंस्टेट करने के लिए, कि ट्रंप ने बहुत ज़्यादा अपने ब्लंडर्स मारे हैं, उनको रिकूप करने के लिए कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है। इस जगह पे ना एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो इसराइल के इलेक्शन थे, नेतन्याहू और वो अल्टरनेटिवली जो दूसरी पार्टी थी, इन लोगों ने एक मैकेनिज्म बनाया था कि जी कुछ देर के लिए तुम वजीर आजम बन जाना हो तो, और दूसरे वाले फिर आफ्टर सर्टन टाइम आएंगे। ये मामला आपको याद होगा कि जब इसराइल के इलेक्शन हो रहे थे पिछले दिनों में, तो ये डील ऑफ द सेंचुरी जिसकी बातें हो रही थी कि जी जॉर्डन का भी कुछ हिस्सा और फिर इवन मदीना शरीफ और ये बहुत सारे इलाका हिजाज़ मुकद्दस जो उनसे है, इट विल कम अंडर अ ग्रेटर इसराइल प्लान, उस वक्त अमेरिका बड़ा आगे आगे था। सो अमेरिका के इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि जी जमहूरियत के जो सर नंबर वन अलमबरदार हैं ना हम लोग हैं। अब मसला हमें सानू की सानू है कि जो चाइना है ना, चाइना खामोशी से अपना काम करता जा रहा है और पूरी दुनिया में इवन अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, और उधर के भी जो उनसे बिजनेस ओनर्स हैं वो जाके चाइना के अंदर अपनी असेसमेंट के मुताबिक वो
बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका का ये सदर ट्रम्प जो है, ये चाहता था कि मैं ना अपने वो चिट्टी चमड़ी वाले जो आम है ना, जो जज्बाती आम है, आप समझ लें कि सारी सियासी जमातें पीडीएम वाले एक जगह पे आ गए और एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे आ गए, रिपब्लिकन्स। अभी उन पे हम बाद में आएंगे, जो बाइडन के किस तरह हिपोक्रेट है और वो किस तरह इंडिया के साथ मिलके मुआहदे कर रहा है। अभी ये जो रिसेंट हुआ है और वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था कि जैसे जो बाइडन आए तो वो टेक ओवर करे। बहरहाल ट्रंप भी बड़ा सयाना है, नमस्ते इंडिया और ये सारी चीज़ें उसने जाके की हैं, क्योंकि बहरहाल मिलियंस ऑफ इंडियंस लिव इन द यूएस एंड दे हैव अ वॉइस, एंड दिस इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक बंदा जो इधर से जाके 10 साल अपनी ज़िंदगी है, जितने भी साल उधर 4 साल में मिलती है, जितने में भी उसको पीआर मिलती है, उसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंट के बाद वो सिटीजनशिप जिसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो वोट दे सके, उसकी इज्जत उतनी ही होती है अपेरेंटली इन द बुक्स, क्योंकि वो जमहूरियत का राह गलाते हैं। मगर मसला ये है कि जब चाइना जैसी और एक कम्युनिस्ट पॉपुलेशन, जिधर आप लिटरली एक बादशाहत वाला ही निज़ाम है कम्युनिज्म में, आप समझ लें कि जो प्रेसिडेंट है उनका, वो उसको बॉदर ही नहीं कर रहा। वो अपने मतलब इसने ट्रंप ने बड़ी तड़ियां लगाई कि साउथ चाइना सी के अंदर जाके अपने ना डेरे पहुंचा दिए, वो अपने जो उनसे जहाज़ बरदार बहरी जहाज़ है ना, जो कि जिस पे लैंड भी कर सकते हैं उड़ने वाले जहाज़, फाइटर जेट्स, वो उधर जानबूझ के उनको एग्रीवेट कर रहा था। तो बेसिकली ये लोगों ने ना हमेशा से जंगों और जमहूरियत को मिक्स करके ना दुनिया में अपना सौदा बेचने की कोशिश की है कि जी जमहूरियत नहीं होगी तो आपकी आवाम जो है ना वो थले लगी रहेगी और उसके हकूक नहीं होंगे और देखें हम अपनी वेलफेयर कितने देर। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपना सब कुछ अबैंडन करके आज यूएस में जाके या कनाडा में चले जाते हैं, जहाँ पे बहरहाल किसी और किस्म की बादशाह आता है, क्योंकि वो क्वीन की मेजेस्टी जो है ना, दे हैव टू हैव अ सॉवरन, एक किस्म की गारंटी देनी पड़ती है कि जी वी बियर टेस्टिमनी टू बी लॉयल ऑफ द क्वीन्स मेजेस्टी। सो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी गुलामाना सोच ये है कि इधर के गुलाम बनने के, इधर के जो जो बादशाह हैं जो नज़र नहीं आते वीगो डाले वाले, उनसे बेहतर है कि फिर अमेरिका में या उधर जाके ना उनके थर्ड वर्ल्ड के सिटीजन बने, मगर फिर भी शायद हमारे बेहतर राइट्स हों। बहरहाल हुआ ये है इस इलेक्शन में, ये जो लातिनोज हैं ना, जिनको इन्होंने बड़ा मैक्सिको वॉल बनाई और उधर लोगों को बड़ा जलील किया ट्रम्प साहब ने, उन लोगों ने कुछ स्टेट में तो इनके खिलाफ, जाहिर बात है फितरतन है कि आपकी कम्युनिटी को अगर दबाया जाएगा तो आप उनको किस तरह ट्रीट करेंगे, आप बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे, आप वोट नहीं डालेंगे ऐसे कैंडिडेट्स के लिए या ऐसे कैंडिडेट के लिए। मगर दूसरी साइड पे उसको उल्टा स्विंग भी मिला है, गालबन मिशिगन के अंदर जो उनसे लेटिन अमेरिकन हैं उन लोगों ने उसको सराहा है, बिकॉज वो जो बाइडन की चालाकियों से, बहरहाल उनको देवर अवेयर ऑफ इट, और उसकी चालाकी क्या थी, उसकी चालाकी बड़ी सिंपल सी थी, सॉरी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में मैं कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर बैठूँ, वो ये चालाकी है उनकी कि जो बाइडन है ना वो बड़ा मीसना जो है, बहुत मीसना इंसान है, हिपोक्रेट भी है, कहता कुछ है सजीव खा के खब्बी मारने वाला बंदा है। बर्नी सैंडर्स का नाम बड़ा पॉपुलर हुआ था जी, ही सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ जो बाइडन बिकॉज ही केम वेरी क्लोज। सो इन्होंने ये भी करना होता है अपने इलेक्शन में कि जो एक पहले इनके आपस में ही खड़े होते हैं कि जी ट्रम्प खड़ा होगा या इसके साथ एलिजाबेथ वारन होगी या वो माइक ब्लूमबर्ग होगा या दूसरी साइड, मतलब जो भी उनकी अगर उसकी पार्टी का बंदा है, वो आपस में उनके कॉन्टेस्ट होता है, और दूसरे पास से जो उनसे ना वो फिर उनके कैंडिडेट्स होते हैं, और उनमें से जो तगड़े होते हैं ना, इनके पहले आप इंटरनल इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस की भी हैसियत बहरहाल होती है, वो गवर्नर्स के इनके इलेक्शंस होते हैं, उन गवर्नर के इलेक्शंस पे ना वो डिसाइड करते हैं कि फलाना वाला जो सेनेट का ये कांग्रेस का कांग्रेसमैन है ना, इसको हमने पोज करना है एज द प्रेसिडेंट। अब जो बाइडन की जो चालाकी है ना, बर्नी सैंडर जैसा एक अच्छा बंदा जो कि मुसलमानों के लिए उर्दू में भी अपनी कंपेन कर रहा था, वो भी जो बाइडन जो है वो इसके सामने
ज़्यादा एक पॉजिटिव कह लें कि उभर के सामने इसलिए आया क्योंकि वो इज़ प्लेइंग मोर कंफर्टेबली एट हैंड्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट. ही हैज़ द सेम काइंड ऑफ फर्वर, द जाली फर्वर इज ऑन द बोथ साइड्स बाय द वे, मगर ही इज़ हेलिंग फॉर द सेम एंटी मुस्लिम स्लोगन्स. धी भैन एक कर देने वाला जो नॉन इमिग्रेंट्स के खिलाफ और इस तरह की जो बहरहाल उस पार्टी में कम है, मगर ये मामला जो उनसे ना रिपब्लिकन्स वाले उनके रहते हैं. रिपब्लिकन बाय द वे बराक ओबामा भी आपको याद रहा होगा कि ये फिर भी थोड़े से कंफर्टेबल हैं, जिस तरह उन्होंने मेक श्योर किया कि एक काली स्किन वाले को प्रेसिडेंट 3 दफ़ा उन्होंने बराक को चूज़ किया. अब आ जाए जो बाइडन की चलाकियाँ. जो बाइडन उनसे ना वो इसराइल का तो यस मैन है ना, मतलब या इसराइल काउंटर, और इसराइल की आपको एब्सेंस नज़र आएगी कहीं पे भी, टीवी पे नहीं नज़र आ रहा कि इसराइल की कंट्रीब्यूशन है. क्योंकि रीज़न ये है कि लास्ट इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जो लॉबीज थी ना, जो कि बिजनेस ओनर्स हैं, दे वर विद ट्रंप. और लास्ट इलेक्शन में जो इनके था कि जी से नो टू वॉर, वी विल गेट आउट ऑफ द वॉर सो वी सेव सो मैनी रिसोर्सेज डैट वी कैन स्पेंड ऑन आवर ओन पीपल, जो कि ट्रंप का बड़ा कामयाब हुआ था, इस दफ़ा उसका जिक्र ही नहीं है. उसकी रीज़न कि हालांकि ये बड़ी पूरी तरह से इनको शिकस्त मिली है अफगानिस्तान में देखें, और वो जमहूरियत नहीं है उधर, एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान तालिबान इनके साथ जाके कतर के अंदर मुआहदे करते हैं, और उधर भी पोम्पियो फिर जॉनसन और ये खलील जाद रमदेजाद वट एवर द गायस. सो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं ना, ये हमें इनके कॉमनर्स हैं, ये इस पार्टी को भी उनके जो एस्टेब्लिशमेंट या कह लें डीप पॉकेट्स, दीज पीपल आर देयर एंड दे आर मेकिंग श्योर दैट इवेंचुअली द रिजल्ट्स विल कम आउट इन द फेवर ऑफ व्हाट आई परसीव टू बी ट्रंप. बिकॉज कोरोना में फेल हो गया, बेतहाशा जगह पे फेल हो गया, मगर उनका आरटीएस बैठ गया, आरटीएस बैठ गया, इन्होंने रंडी रोना डाल दिया, और उसके बावजूद जो उनसे ना, अब जब उसने रंडी रोना डाला तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनको फेवर कौन कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट, अगर अमेरिका का जो पेंटागन है ना, उसको ये फेवर कर रहा है ट्रंप जैसा एक बुलक फजूल सा आदमी जिसको जो ब्लंडर्स बहुत सारे मारता है, मगर बैक एंड पे जब वो टेलीप्रॉम्प्टर वाली अपनी तकरीर करता है तो आप देखते हैं कि जब उसको डिक्टेट किया जा रहा होता है तो वो बहुत कन्फॉर्मिस्ट हो जाता है. ही लाइक्स टू कन्फॉर्म, दैट इज़ वाई ही सेड नो ट्रेड विद चाइना एंड देन ही इज़ नाउ रिलैक्सिंग दैम. सो देर इज़ नो डिस्कशन ऑफ एंटी चाइना सेंटिमेंट, इट्स मोर एंड डिस्पाइट द फेलियर he has retained his grounds and that is only possible because ya to unki maa badi pagal hai ya dusri side pe bahut chutiya log hain aur wo chutiya log jo unse hain behrhal kuch musliman hain jo ke wo zahiri baat hai wo Joe Biden ko support karenge kyunki unko lagta hai ki isne badi gandi ki hai magar wo to maa behne karne aa raha hai Joe Biden aur ye main idhar baith ke pakistan mein agar assessments kar raha hu aur sara din se ye jo CNN wagaira acha ab CNN is pro डेमोक्रेट्स वाला सीन है, बट दे वर इंसिस्टेंट के जी नहीं नहीं द मैप इज टर्निंग ब्लू एंड जस्ट टू मेक डिस्काउंटिंग के वी आर नॉट फेवरिंग समवन, बट स्टिल दे हैड देयर यू नो एम्पैथी फॉर डोनाल्ड ट्रंप टू विन. एंड द रेस्ट ऑफ देम, वन ऑफ द चैनल्स डिक्लेयर्ड एरिजोना को के जी उधर तो जो बाइडन ने ब्लू कर दिया उसको, और उसका सीन क्या हुआ कि ट्रंप को गुस्सा चढ़ गया, ट्रंप ने कहा कि आप पहले ही कर रहे हो और जी. अच्छा, ट्रंप की भी मुख्तलिफ ही आज मंतक थी, सुबह मैं जब देख रहा था कहते हैं कि जिधर मैं जीत रहा हूँ ना उधर इनकमिंग बैलेट्स जो उनसे हैं ना उनको मजीद काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं जीत गया ना, तो जितने मैं पीछे रह गया ना उन्होंने जेडे बैलेट वाले ने वह जरा कंसिडर करो. सो दिस वॉज एंड अदरवाइज नहीं, डेफिनेटली आई विल बी गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट. नाउ माई क्वेश्चन टू यू गाइज इज, एंड दिस इज बाय द वे पाकिस्तान की डायनामिक्स में भी आता है और हर तरफ सियासत दुनिया में ऐसे ही है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट अगर ये ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है अपेरेंटली, सो फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट क्या जाएगा? और यही बात होती है कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हो तो तब तो कोई मसला नहीं होता, वरना धांधली हो जाती है, और ये हर हुकूमत के साथ रहती है. बहरहाल इस वक्त अमेरिका का बाइपोलर नहीं है, इस वक्त एक ही बंदा है, ट्रंप और नॉट ट्रंप. सो ट्रंप ही इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, दूसरे वालों के पास कोई केस बिल्डअप करने के लिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई सुरखाब के
फूल नहीं सजाए थे, उन्होंने कोई दूध की नहरें नहीं बहाई थी, एंड व्हाट द वाइस प्रेसिडेंट वाज लाइक ए की कह देता है, एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं हम विजिलेंट हो गए, अपने वोट का तहफ्फुज़ करेंगे, और खैर बहरहाल वो भुंतर गया सी। लुबे लबाव ये है कि कहीं पर भी परफेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी इज़ नॉट द आइडियल टूल फॉर चूजिंग पीपल एज योर लीडर्स, एंड दैट दिस इज़ वेयर नॉट आई एम नॉट नॉट वॉचिंग फॉर खिलाफत और मलूकियत, जिसको इमामत कह लें आप शिया मज़हब के मुताबिक, और खिलाफत कह लेंगे सुनी मज़हब के मुताबिक, और इस्लाम के अंदर रहते हुए अगर हम देखें बादशाहत का भी कोई इतना ख़ास तसव्वुर नहीं आता, सिर्फ अल्लाह की वहदानियत है, अल्लाह की बादशाहत है, और कोई भी दुनियावी निज़ाम जो कि दुनिया ने आप लाख दफ़ा कह लेंगे मैं सूद नहीं आप इम्प्लीमेंट करना चाहता, आपकी इकॉनमी कैपिटलिस्ट है, आपने स्टेट बैंक जो उनसे है काइबर का रेट लगाते हैं, आपने दुनिया के साथ ट्रेड करनी है, तो फिर आप या तो सारा कुछ इधर ही बना लेना। सो इवेंचुअली जो ये जितना भी मनी एंड एवोल्यूशन इज इवॉल्विंग, पीपल चूज टू मूव आउट फ्रॉम पाकिस्तान टू दीज कंट्रीज, एंड नाउ नॉट इवन दीज बिगर कंट्रीज बिकॉज ये सेचूरेट हो चुके हैं, दे आर आइंग फॉर छोटे कंट्रीज लाइक फिनलैंड एंड ब्ला 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 ब्ला, बिकॉज वाई द निज़ाम इज ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर, बट द रिसोर्सेज आर येट अवेलेबल टू पीपल, एटलीस्ट फॉर द ऑप्टिक्स दे आर अवेलेबल टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक अस। न्यूजीलैंड इज ऑफरिंग देयर इमिग्रेशन, यू सी ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिलैक्सड कोरोना के बाद, अब जो उनसे मैंने देखा है, मैं खुद भी रिसर्च कर रहा था जब मुझे पता चला, इटली वाले बड़ा कह रहे हैं कि आ जाओ कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानियों को खासतौर पे कह रहे हैं, एंड अगेन क्रेडिट गोज़ टू दोज ड्यू सर्कल्स हु आर प्रमोटिंग पाकिस्तान इन अ पॉजिटिव पैशनेट मैनर। सो वो अपनी जगह पे अमेरिका नो मोर द चौधरी ऑफ दुनिया, अमेरिका इज स्टिल रेलिवेंट येट इज़ गोइंग टू डिक्टेट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बिकॉज इवेंचुअली वी आर ट्रेडिंग इन US डॉलर्स, most of the countries are binded by one or the other treaty with America in some consortium like United Nations, so we have to be very mindful of what politics is going on in there. Remember जो बाइडन ने आके माँ बहन एक करनी है, और इस वक्त हमारी पाक फौज भी दुआएं कर रही है कि राइट साइड में इंडिया है, अगर सामने से देखें लेफ्ट साइड पे अफगानिस्तान है, और जो उनसे ना इसने दोनों तरफ से प्रेशर करना, और ये जो मुआहदा हुआ है ना सिविल डिफेंस का इंडिया के साथ, और उधर जो उनसे वो हार के जा रहे हैं, अब ट्रंप ने तो कहा तो है ना वी हैव डिक्लेयर्ड विक्ट्री एंड वी आर गेटिंग आर ट्रूप्स बैक, जो जो इनको हर वक्त रोला होता है कि जी ट्रूप्स किस तरह बैग, इनका तो है ही नहीं, बीच में तो समुंदर है, ये लोग जाते हैं बेड़ों में जो बहरी बेड़े होते हैं, और उधर जाके अपनी ना लंगर डालते हैं। सो हम जैसे मुल्कों को नेटो की फौजों को जो उनसे है ना जो कि मर्सेनरीज के तौर पे काम करते हैं, अपना कश्मीर तो हमने आज़ाद नहीं कराया, सो हम लोगों को फिर कहते हैं जी अफगानिस्तान में लड़ो, और फिर वो ज़ियात है और वो क्लाशनकोव का कल्चर आता है, ड्रग्स आते हैं, पूरा मुल्क का बेड़ा बढ़ जाता है। सो आई एम सो सॉरी फॉर द ऑब्सीन लैंग्वेज बिकॉज द टाइम हैज़ हैड पास्ट 12, सो आई थॉट द मेजोर ऑडियंस वुड बी लुकिंग एट इट, आई होप यू लाइक माई एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज़ गिविंग देयर 2 सेंट्स, आई सेड के आई बिकम अनदर वन, आई बिकम अनदर डिक, सो थैंक यू सो मच फॉर watching this, and also do subscribe to my YouTube channel because that is very important. I have bought some watch time and I'm going to monetize it, and this video is going to be put on there as well. Thanks so much. Allah Hafiz. Good night.